नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। कन्हैयालाल हत्याकांड में रेकी करवाने वाला सातवां आरोपी गिरफ्तार। दहशत फैलाने के लिए हत्यारों गौस और रियाज से वीडियो बनवाया। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का बड़ा बयान आया सामने। कहा अग्निपथ से वायुसेना की संचालन क्षमता नहीं होगी प्रभावित। बाईस के झटके से अभी उभरी नहीं एमवीए। शरद पवार बोले 2024 में साथ लड़ना चाहिए। सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में फायरिंग से सनसनी। जवान ने पत्नी बच्चों सहित खुद को कमरे में किया बंद। श्रीलंका के साथ खड़ा है भारत। संकट के बीच 3.8 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता की। पीएम मोदी का देवघर आगमन, कल स्वागत में जलेंगे 1 लाख दिए। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीर सेल्वन को झटका। मद्रास हाई कोर्ट ने दी पलानी सामी गुट को बैठक की इजाजत। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा धोखेबाज शैतान और तानाशाह है भाजपा की सरकार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़ी मेधा पाटकर समेत 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। 13.5 करोड़ के गबन का आरोप। बिहार में मासूम बच्चों का स्कूल में तोड़फोड़। कटिहार में स्टूडेंट्स बोले कई दिनों से नहीं मिला मिड डे मील, टीचर मालिश कराते हैं। टीआरएस में एक नहीं कई एकनाथ शिंदे। तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बोले केसीआर के दिन अब गिनती के बचे। गोवा में आज विधायक दल की नए नेता चुनेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक को भेजा 5 विधायक लापता। कर्नाटक बजरंग दल वर्कर के हत्यारों के जेल में ठाट। जेल का वीडियो बाहर आने से सियासी विवाद, भाजपा घिरी। दो साल के भाई की लाश लेकर बैठा रहा मासूम। मुरैना में नहीं मिली एम्बुलेंस, पिता भटकता रहा, बड़ा बेटा लाश से मक्खियां उड़ाता रहा। सात राज्यों में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। यूपी दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मथुरा पुलिस को मिली सफलता। मुड़िया पूर्णिमा मेला में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा। 54 मोबाइल के बरामद। कन्नौज में पेड़ से लटका मिला 3 दिन पुराना शव। 3 दिन से युवक था लापता। 4 दिन पहले दिल्ली से लौटा था घर। हत्या आत्महत्या में उलझी पुलिस। गाजीपुर में बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन सतर्क। बीते 7 दिनों में 100 से ज्यादा गांव हुए थे प्रभावित। डीएम और एसपी ने लिया जायजा। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग। पंखे प्रेस और केबल समेत 200 लाख का माल जलकर राख।
कालेश्वर मंदिर मार्ग पर गंदगी से लोगों में नाराजगी। सावन से पहले साफ सफाई की उठी मांग। जलाभिषेक करने आएंगे शिव भक्त। दो पूर्व अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की एफआईआर। कंस्ट्रक्शन कंपनी को 40 लाख का भुगतान करने के बदले में मांगी 5 लाख। गोंडा में किसान के घर लाखों की चोरी। चोरों ने जेवरात और नकदी पर किया हादसा। सोते समय चोरी को अंजाम दिया। यूपी के गन्ना किसानों के सीएम योगी की सौगात। पहली बार 50.10 लाख गन्ना किसानों को मिलेगा शेयर सर्टिफिकेट। फरुखाबाद में पुलिस एनकाउंटर में पकड़े गए 5 बदमाश। 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली। निकले थे घटना को अंजाम देने। मिर्जापुर में 2 सगे भाइयों को मारी गोली। जमीनी विवाद में 2 पक्ष आए आमने सामने। 1 की हालत गंभीर। संत कबीर नगर में सड़क हादसे में प्रधान की मौत। अनियंत्रित स्कॉर्पियो सड़क के किनारे रखे ईंट से टकराई। बिहार से अयोध्या जा रहे थे लोग। प्रतापगढ़ में 24 घंटे मिलेगी पैथोलॉजी की सुविधा। राजकीय मेडिकल कॉलेज में बनाई गई लैब। तीन दबंगों ने बुजुर्ग को पीटा फिर मार दी गोली। कल कटाकर बाल कटाकर घर लौट रहा था। सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर। सुल्तानपुर में युवक के सिर पर मारी गोली। प्रेम प्रसंग में हुई वारदात। हालत गंभीर। हमलावर मौके से फरार। मिर्जापुर में वाटरफॉल में 3 दोस्त डूबे। एक दूसरे को बचाने में तीनों की गई जान। वाराणसी से पिकनिक मनाने आए थे। दोहरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड। सैन्यकर्मी पहुंचा कानपुर। अरेस्ट वारंट देने के बाद सेना ने सौंपा। पुलिस ने पकड़ा फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज। सऊदी अरब में बैठा मास्टरमाइंड कर रहा था ऑपरेटर। कॉल कन्वर्ट और लाखों कमाई। वापसी की बोतल के लिए चली गोली। 6 घायल। मुरादाबाद में प्रधान और चुनाव हारे प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़े। बिक्रुकांड में शहीद की पत्नी को मिली ओएसडी की नौकरी। प्रतापगढ़ के दरोगा बिक्रुकांड में हुए थे शहीद। शादी को राजी नहीं तो किडनैप की कोशिश की। सिरफिरा बोला तू मेरी नहीं तो किसी और की होने नहीं दूंगा। युवती को कार में खींचा। झांसी में रेलवे कर्मचारी के घर में चोरी। सोने चांदी के गहने चुराकर ले गए बदमाश। रेलवे कॉलोनी में वारदात। रायबरेली में सड़कें हुई खस्ता हाल। 300 करोड़ की लागत से हो सकेगी मरम्मत। विधायकों ने भेजी रिपोर्ट। प्रधानी के विवाद में युवक की हत्या। प्रतापगढ़ से कार से आ रहे थे प्रयागराज। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। मिशन 2024 में भाजपा कमजोर बूथ मजबूत कर रही। सांसद विधायक घर घर कुंडी खटका रहे। हम दूसरों से कैसे बेहतर ये समझा रहे। बदायूं में मजदूर पर गिरा मैथा टैंक का जाल। मौके पर हुई मौत। कुंवर गांव थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। मैथा प्लांट पर काम करता था अधेड़।
जन्मदिन के एक दिन पहले राम गंगा में डूबा छात्र, डूबते दोस्त को बचा रहा था छात्र, पांच दोस्तों के साथ नहाने गया था। एक ऑटो में 27 सवारी का वीडियो वायरल, बकरी ईद पर नमाज पढ़कर लौट रहे थे लोग, बोले ड्राइवर को योगी सरकार छोटा मोटा अवार्ड दे दे। योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला शिक्षक बर्खास्त, विधानसभा चुनाव में सपा के समर्थन में की थी रैली, अभी तक थे निलंबित। आगरा में मुस्लिम युवती के साथ भागी हिंदू लड़की, पता बोला है लेडी लव जिहाद हुआ, 53 दिन से नहीं ढूंढ पाई पुलिस। दबंगों ने ट्रैक्टर से रौंदकर युवक को मार डाला, परिजन बोले पहले गाली दी फिर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा झटका, कमलेश रमन और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र प्रसाद रतौड़ी छोड़े पार्टी, आप में हो सकते हैं शामिल। भूस्खलन ने रोकी बद्रीनाथ के यात्रियों की राह, कई जगह रोके गए 1000 यात्री। संसद में रही विधायक किशोरी उपाध्याय की जान, रोप और चक्का स्लिप होने से 25 मिनट तक हवा में लटकी रही। उत्तराखंड में पिता ने युवक पर लगाया बेटी को भगाने का आरोप, थाने पहुंची नाबालिग ने खोल दी पिता की ही घिनौनी हरकतों की पोल। सीएम धामी का बड़ा फैसला, होटलों में सरकारी कार्यक्रम पर लगाई रोक, सोशल मीडिया पर प्रशंसा के साथ मिले सुझाव। सीएम धामी से मिले गोदियाल, बकरी केदार मंदिर समिति सदस्य के लगाए आरोपों को किया खारिज, ज्ञापन सौंप कर जांची मांग की। उत्तराखंड में फेल छात्रों को मिलेगा पास होने का मौका, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी सरकार। उत्तराखंड कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने भाजपा को घेरा, आतंकवादियों को आश्रय देने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में ऑनलाइन होगा मेडिकल कॉलेजों में दवा और उपकरणों का रिकॉर्ड, मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज। उत्तराखंड सरकार ने 5 गुना बढ़ाई गौ संरक्षण भरण पोषण की राशि, जल्द शुरू होगी ग्राम में गौ सेवक योजना। दो महीने के बाद एक दिन में सबसे अधिक संक्रमित मिले, बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 67 नए संक्रमित मिले, देहरादून फिर बन रहा कोरोना हॉटस्पॉट। उत्तराखंड में फिर बरसेंगे मेघ, देहरादून टिहरी पौड़ी और कई जगह पर 12 जुलाई से बारिश का पूर्वानुमान, येलो अलर्ट जारी। ऋषिकेश में गंगा दूसरे दिन भी चेतावनी निशान पर बही, चेतावनी से निपटने को तटीय इलाकों में रेस्क्यू की टीम तैनात। अल्मोड़ा के मोहान मरचूला मोटर मार्ग में गिरा विशाल पेड़, 5 घंटे मार्ग में यातायात रहा बाधित। देहरादून पहुंची एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, एमपी एमएलए के साथ करेंगी बैठक। पुतिन 70 की उम्र में फिर बनेंगे बाप, गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट, गुड न्यूज से खुश नहीं है रूसी राष्ट्रपति, बोले पहले ही बहुत बच्चे हैं।
ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में 9 उम्मीदवार शामिल, भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे। घाना में फैली इबोला जैसी बीमारी, मारबर्ग चमगादड़ से आए नए वायरस ने फिर दुनिया को डराया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देने की घोषणा की, पीएम विक्रम सिंघे को फोन कर किया सूचित। सबसे ज्यादा आबादी वाले देश होगा भारत, 2023 में चीन को पछाड़ देगा यूएन रिपोर्ट में किया गया दावा। बोरिस जॉनसन यंग लवर को दिलाना चाहते थे जॉब, लंदन का मेयर होते हुए सिटी हॉल में लगवाना चाहते थे नौकरी, अब खुली पड़ती। श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास में मिले नोटों के बंडल, नोट गिनते लोगों का वीडियो आया सामने, प्रदर्शनकारियों ने पूरा पैसा सेना को सौंपा। यूक्रेन के डोनेट्स में रॉकेट अटैक से 15 की मौत, अमेरिकी रिसर्च में दावा, अब खार्किव हड़पने का प्लान कर रहा रूस। जॉनसन समर्थकों ने ऋषि सुनक के खिलाफ शुरू किया अभियान, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गलत दस्तावेज। चीन और पाकिस्तान की सेना ने शुरू की समुद्री और हवाई अभ्यास, निगाहें हिंद महासागर पर। माल्या पर 2000 रुपए जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना केस में 4 महीने जेल सुनाई, कहा सजा जरूरी। वॉरेन बफे के मूल मंत्र, 3-4 साल की उम्र में ही बच्चों को दे बच्चों की शिक्षा, माता पिता ऐसा ना कर बड़ी गलती कर रहे। मुश्किल में इंडिगो एयरलाइंस, पायलट केबिन क्रू के बाद एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन नाखुश, बड़ी संख्या में सामूहिक छुट्टी। भारत में इंटरनेट के जनक ब्रजेंद्र कुमार सिंघल का निधन, देश की सूचना क्रांति में था अहम योगदान। स्पाइस एक्सप्रेस से अगली होगी स्पाइस जेट, अगस्त के पहले सप्ताह में पूरी होगी प्रक्रिया। सरसों तेल का थोक भाव लगभग 134 लीटर, एमआरपी 194 लीटर था, जबकि 155 से 158 से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर बर्न किए 19 करोड़ से ज्यादा अशीब इनू टोकन, लाखों की तादाद में शीब क्वाइंस को डेड वॉलेट में भेजा गया। एलन मस्क को कोर्ट में घसीटेगा ट्विटर, न्यूयॉर्क की शीर्ष लॉ फर्म को सौंपा जिम्मा। पेटीएम का अप्रैल जून में ऋण वितरण 9 गुना बढ़कर 5,554 करोड़ रुपए हुआ। सेबी बाजार जोखिम कारक प्रकटीकरण लाने की तैयारी में, निवेशकों को मिलेगी मदद। रोहित शर्मा का कपिल देव को जवाब, बोले उन्हें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, 1-2 सीरीज कोहली को खराब खिलाड़ी नहीं बनाते। टीम इंडिया की रेस्ट पॉलिसी पर भड़के वेंकटेश प्रसाद, बोले रेपुटेशन के आधार पर नहीं खेल सकते सचिन, सहवाग, सौरभ या युवराज ड्रॉप हुए।
कोहली के फॉर्म पर बोले अजय जडेजा, अगर मैं टीम इंडिया का सिलेक्टर होता तो विराट कोहली को टी20 टीम में नहीं चुनता। टीम इंडिया के प्रदर्शन से शाहिद अफरीदी बहुत खुश, भारत को बताया टी20 वर्ल्ड कप में फेवरेट, गेंदबाजी की तारीफ भी की। भारत हारा लेकिन सूर्यकुमार यादव के तूफानी शतक ने जीता दिल, आउट होने पर मिली स्टैंडिंग ओवेशन। तीसरे टी20 में इंग्लैंड 17 रन से जीता, सूर्यकुमार यादव का शतक भारत के काम नहीं आया, सीरीज 2-1 से टीम के नाम। जोकोविच ने जीता 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब, विंबलडन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के निक को हराया। भारत के लिए सिरदर्द बने कोहली, 3 साल में 65 मैच खेले, 1 शतक तक नहीं लगा पाए, पिछली 10 पारियों में बेस्ट स्कोर 52 रहा। दिनेश चानिमल के शतक से श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया पर बनाई बढ़त, करुणा रत्ने समेत 4 खिलाड़ियों के अर्धशतक। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान मिताली राज ने कहा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीत सकती है भारतीय टीम। शूरवीर के एक्टर अरमान रलहन बोले, मैं अपने करियर में सेट पर काम और रियल लोकेशन में ज्यादा काम किया है। रणवीर सिंह की नई डील, एक्टर ने बांद्रा में 119 करोड़ का क्वाड्रालेक्स खरीदा, शाहरुख खान और सलमान खान के बने पड़ोसी। मराठी फिल्म वेद की शूटिंग हुई पूरी, रितेश की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म में नजर आएंगे सलमान। तेहरान का फर्स्ट लुक सामने आया, जॉन अब्राहम ने शुरू की दिनेश विजयन की अगली एक्शन थ्रिलर तेहरान की शूटिंग। करण जौहर ने की कॉफी विद करण को लेकर बात, बोले मैं शो को सीरियसली नहीं लेता तो लोग क्यों ले लेते हैं। शाहरुख खान ने फैंस को दी ईद की बधाई, मन्नत की बालकनी पर अब्राम के साथ आई नजर, वीडियो वायरल। रणबीर कपूर ने पेरेंटिंग पर बात की, बोले मैं नहीं चाहता कि आलिया बेबी होने के बाद अपने सपनों का त्याग करें। करण जौहर से नाराज हुई सारा अली खान, कार्तिक और सारा के रिश्ते को करण जौहर ने किया पब्लिक, खफा हुई एक्ट्रेस। रणबीर कपूर ने शेयर किया शमशेरा की शूटिंग का किस्सा, बोले शूटिंग के बाद 20 बार नहाना पड़ता था। सुपरस्टार नागार्जुन की द घोस्ट का टीजर रिलीज, किलिंग मशीन की तरह तलवार से गुंडों को मारते दिखे एक्टर, 5 अक्टूबर को आएगी फिल्म। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों में देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।